हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकर के शान में आप सभी का स्वागत है। अंदर का क्लास सेट का अंदर में एक तो साउंड कर रहा है, तो पापी क्लास सेट हम लोग खोल के देखेंगे वो क्लास सेट का अंदर में क्या चीज़ का साउंड कर रहा है। तो चलो वीडियो के साथ बने रहिए। पहले हम करेंगे उसका मोबाइल ऑन कर देंगे, अभी मोबाइल को टेन कर देंगे। मोबाइल खोलने के लिए हम लोग का ये सामने में 12 नंबर का बॉल टेक्ट होगा और पीछे में 18 नंबर का बॉल टेक्ट होगा, तो ये दोनों खोलने से मोबाइल पूरा टेन हो जाएगा। खोलने के बाद अभी कवर को खोलने के लिए पूरा एटीएम का जितना भी स्क्रू उसको पूरा पूरी खोलना पड़ेगा। अभी तो वीडियो के साथ बने रहिए, तो अभी खोलते हैं। ये हुआ वीडियो के में। अभी हम लोगों ने क्लास सेट का कवर खोल लिया है। अभी साउंड क्या चीज़ का कर रहा था, अभी जब देख सकते हैं कि इधर में जो सेल्फ का पिनियन नहीं होता है वही साउंड कर रहा था। अभी खोल के उसको देखेंगे, अभी अंदर का कौन सा पार्ट टूटा हुआ है, कौन सा पार्ट नहीं टूटा हुआ है, खोलने के बाद देखने से मालूम पड़ेगा। तब इसको खोलने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको लूज करेंगे इधर में, तो उसको खोलने से लूज हो जाएगा, टाइम जैसे ही रहता है, तो पहले उसको लूज करेंगे। खोल लिया, अभी हम लोगों ने चेन भी लूज हो गया। अभी खोलेंगे, ये खोलेंगे, उसके बाद ये दोनों एक साथ खोल के खींचना पड़ेगा, उसके बाद ही निकल के आएगा 24 नंबर का बोल्ट होगा। खोल के अभी ये रख दिया है, मंगाई पाउडे ना।
अभी इसको खींचने के लिए दोनों एक साथ में खींचना पड़ेगा उसको, तभी जाके बाहर निकल के आएगा। दोनों दोनों साइड के मैंने खोल दिया, अभी इधर के अंदर में ध्यान दीजिएगा, वॉशर रहेगा तो उसको भी खोल दीजिएगा। ये बाहर में निकल के आ जाएगा अभी, इतना तो खोलने से भी अभी बाहर में निकल के आ जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या देखेंगे, इसी में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, इसमें देख पहले चेक करेंगे। खोलने के साथ साथ आप देख सकते कि अंदर का जो नहीं था, जो बैंडेज नहीं था, पूरा टूटा हुआ है ना। आप देख सकते हैं पूरा अंदर का जो जितना भी था सब टूटा हुआ है। तो साउंड यही चीज़ के लिए, अंदर में यही चीज़ के लिए साउंड अभी कर रहा था। देखिए ये जो जितना भी टूटा सब टूटा हुआ है, यही चीज़ के लिए हो रहा था। ये आपका आ गया सेल्फ वाला बैंडेज का, कहते हैं ये भी पूरा पूरा खराब हो गया। आप कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं, कि आप इसका अंदर का भी देख सकते कि पूरा उसका स्क्रैच कर दिया, पूरा अंदर में पूरा स्लिप रहना चाहिए तो उसमें पूरा दागी कर दिया। अब इसका भी देख सकते कि इसका भी आप देख लीजिए, पूरा ये रूलिंग करते 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 पूरा अंदर का जितना भी जगह था पूरा डाउन कर दिया। पूरा नहीं होगा तो अभी इसको पूरा कंप्लीट चेंज करना पड़ेगा, पूरा पूरी चेंज करना पड़ेगा। अभी देखते रहिए वीडियो को। इस बात की इंतजार तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी भी लाइक कर दीजिए, बाद में हम लोग को देखने से भूल जाता है तो वीडियो को हिट कर दीजिए, लाइक बटन में हिट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी नए वीडियो के लिए। मन लग रहा है रॉयल जी का जेन्युइन पार्ट से खोल के देखेंगे पूरा सामान का, तभी आप देख सकते कंप्लीट पूरा कंप्लीट किट आ गया है। पूरा कंप्लीट उसका साथ में आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आ गया है। अभी आप देख सकते हैं कि उसका अभी सेट के साथ हम लोग को क्या क्या मिला, ये सब का आ गया, पूरा पिनियन का पूरा सेट, वन में पूरा कंप्लीट सेट आ गया। तो उसका साथ में हम लोग अभी जैसे खोल के देखेंगे, अभी आप देख सकते हैं कि उसका अंदर का जो सेल्फ वन वे जो असेंबली बैंडेज रहता है, वन वे असेंबली, वो भी साथ में आपको मिल जाएगा, ये पूरा सेट में आएगा। तो अभी क्या करेंगे, कोई ना कोई अलग सामान चेंज करने का, पूरा डायरेक्ट उसको फिट करने का, अभी उसी जगह पे उस कैसे फिट करते देखिए आप। फिट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों एक साथ ही पुश करना पड़ेगा, एक साथ में पुश करने से फिटिंग हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि उसका भी अभी जगह निकल के आ गया है, अभी पूरा अंदर से अंदर तक चला गया है, तो अभी ये भी पूरा पूरी चला गया। तो हम बोल्ट लगा देंगे, अभी ये पिनियन आप देख सकते हैं कि अभी जगह पे उतना उसका जगह पे बैठ गया हुआ है। तो ये भी चेन भी अच्छे से फिट हो गया, दोनों चेन दोनों पिनियन में अभी फंस गया। तो अभी हो गया, हम लोग अभी बोल्ट को करेंगे टाइट।
लगा के फुल टाइट करेंगे, उसके बाद ये दोनों बोल्ट को टाइट करना पड़ेगा। दोनों बोल्ट को मैंने अभी फिलहाल टाइट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं टाइमिंग चेन भी पूरा फुल टाइट कर दिया है, चेन को लूज नहीं रखने का, पूरा फुल टाइट करके रखने का है। तो अभी दोनों बोल्ट लगा लिया। अभी क्या होता है कि ये जो इसमें फिलहाल सब जगह पे गास्केट रहता है, लेकिन इसमें गास्केट नहीं रहता, इसमें गास्केट गोम लगाने से काम हो जाएगा। गोम लगा के फिटिंग कर लेंगे। पहले मोबिल थोड़ा मोबिल जहाँ पे लगा हुआ है उसको पूरा अच्छी तरह से सफा कर लेंगे। सफा करने के बाद गास्केट गोम लगा के इसको कवर को लगाने से हो जाएगा। लगाने के बाद इसको भी लगा लेंगे। अब इसको अभी जरूरत नहीं है, एक बार इसका काम करते हैं, अब इसको लगा देंगे। जम तो बोल रही थी एक कवर तो एक साइड में लगाने से हो जाएगा, एक साइड में थोड़ा मस्त थोड़ा हैवी करके लगा दीजिए, हो जाएगा। दोनों साइड में लगाने का कोई काम नहीं है। फिटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अभी अभी देखेंगे गाड़ी स्टार्ट करके, पहले जो साउंड दे रहा था अभी वो साउंड दे रहा है कि नहीं, अभी देखेंगे। अभी स्टार्ट करते कर। पहले इधर में साउंड कर रहा था, अभी साउंड नहीं है। अभी आप सुन सकते पहले जो साउंड कर रहा था अभी साउंड नहीं है। मतलब ये जो सेल बैटरी से उसी का ही साउंड कर रहा था, ये सेल बैटरी से ही साउंड कर रहा था, पूरा ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना।